हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास टेंथ की जो बुक है उसका हमारा एक अध्याय बचा हुआ है। ठीक है, हमारा अध्याय वन बचा हुआ है दोस्तों। अध्याय वन के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान की बेसिक डिटेल यानी राजस्थान के इतिहास की बेसिक डिटेल दी गई है और उसके साथ साथ मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, कछुआ वंश का इतिहास, चौहानों का इतिहास और जो भी संपूर्ण इतिहास है दोस्तों वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्लास टेंथ के पहले चैप्टर में। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 600 प्लस सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी सवालों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोस्तों, सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद मेवाड़ का इतिहास आएगा आपका, फिर मारवाड़ का इतिहास आएगा, फिर चौहानों का इतिहास आएगा, कछुआ वंश का इतिहास आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी आपको पूरी पीडीएफ एक साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पर जो ये चैप्टर वन है दोस्तों इसके हम पाँच वीडियो लेके आएंगे, पाँच वीडियो में ये आपका चैप्टर वन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी क्लास टेंथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रायथान शब्द का प्रयोग दोस्तों ये कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया था, ये कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है ये भी आपका कर्नल टोड के द्वारा किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पर पहले सवाल से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? तो दोस्तों कर्नल टोड के द्वारा रायथान और राजस्थान नाम जो है ये 1829 में दिया गया। कब दिया गया? 1829 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? जांगल देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? यहाँ पर बीकानेर और नागौर जो है ये आपके जांगल देश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर और नागौर जो है ये आपके जांगल देश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और राजस्थान और राजस्थान शब्द कब दिया? 1829 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मरु और मारवाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मरु और मारवाड़ के नाम से दोस्तों ये आपका जोधपुर क्षेत्र जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मरु और मरुवार के नाम से जोधपुर क्षेत्र जाना जाता है। अगर आपसे मांड पूछा जाए दोस्तों तो मांड के नाम से आपका कौन सा जाना जाता है? मांड के नाम से आपका जैसलमेर क्षेत्र को जाना जाता है। मांड के नाम से आपका जैसलमेर क्षेत्र को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो दोस्तों जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? विराटनगर थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या राजधानी थी? विराटनगर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत जो मत्स्य प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो सूरसेन राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? ये आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सूरसेन राज्य के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और करौली आता है। आगे देखिए, बैसोरगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र कहलाता है? बैसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है ये आपका उपरमाल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भैंस के ऊपर बीज, इसको कैसे याद रखते हैं हम दोस्तों? भैंस के ऊपर बीज, भैंस के ऊपर बीज। ठीक है, भैंस से तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बैसोरगढ़ हो जाएगा, बीज से क्या हो जाएगा? बिजोलिया हो जाएगा, और ऊपर से क्या हो जाएगा? उपरमाल का पठार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जाए तो वह आपका उड़िया का पठार हो जाएगा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भोराट का पठार जो है दोस्तों वो गोगुंदा से और कुंभलगढ़ के मध्य में विस्तृत है, उसको कैसे याद रखते हैं हम? भोकुंगा, भोकुंगा। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक विस्तृत है भोराट का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है, यह भी आपको ध्यान रखनी है, 1225 मीटर भी एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपसे लसाड़िया का पठार के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो लसाड़िया का जो पठार है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सलुम्बर में है, सलुम्बर के अंतर्गत आता है लसाड़िया का पठार, ये आपको ध्यान रखना है। जैसमन झील के पूर्व में है स्थित है लसाड़िया का पठार, जो कि उबड़ खाबड़ पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस जिले को प्राचीन समय में मांड व वल्ल के नाम से जाना जाता था? मांड व वल्ल के नाम से जैसलमेर क्षेत्र को जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आपका वागड़ प्रदेश कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वागड़ प्रदेश कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बागड़ नहीं होता है दोस्तों, वागड़ होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वागड़ आपको ध्यान रखना है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास को तीन कालों में विभक्त किया जाता है। कितने कालों में विभक्त किया जाता है दोस्तों? तीन कालों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले आपका पाक युग आता है, फिर आपका आदि युग आता है, फिर आपका ऐतिहासिक युग आता है। पाक युग किसे कहा जाता है? यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था, यानी कि पाक युग जो है यह आपका सृष्टि का जब आरंभ हुआ और हड़प्पा सभ्यता तक, उसको क्या कहा जाता है? पाक युग कहा जाता है। और यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। आदि युग जो है यह आपका हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक युग जो है यह आपका, यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जो जारी है वो आपका ऐतिहासिक युग हो जाएगा। आगे देखिए, 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार कुलाड़ी खोजी है? तो दोस्तों 1870 में सी ए हैकेट, ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है दोस्तों? सी ए हैकेट। ठीक है, इन्होंने पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुलाड़ी खोजी थी। ये कहाँ पे खोजी थी दोस्तों? जयपुर और इंद्रगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जयपुर और इंद्रगढ़ में। आगे देखिए, बी आलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की? बी आलचिन जो है, क्या नाम है? बी आलचिन। बी आलचिन जो है इसने पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की है जालौर में। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट आगे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है? तो ये मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण आपके नवपाषाण काल के हो जाएंगे। नवपाषाण काल के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा। आगे देखिए, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुराड़ा सभ्यता जो है ये आपकी कहाँ से संबंधित है? ये नागौर से संबंधित है। साबनिया व पुगल आपकी कहाँ से संबंधित हो जाएगी? बीकानेर से संबंधित हो जाएगी। कोल और महोली जो है ये आपकी सवाई माधोपुर से संबंधित हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कुराड़ा सभ्यता आपकी कहाँ से संबंधित है? नागौर से संबंधित है। ठीक है, ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन है ये। साबनिया व पुगल जो है ये आपकी बीकानेर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कोल महोली जो है ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है बट आगे पूछी जा सकती है। ये किससे संबंधित है? सवाई माधोपुर से। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में ताम्र व ताम्र काश्यकालीन अवशेषों के बारे में नंदलालपुरा जो है ये भी आपकी ताम्र व ताम्र काश्यकालीन में आती है। ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जयपुर में हो जाएगी। ये भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नंदलालपुरा सभ्यता आपकी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। किराड़ोत चितवाड़ी जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? ये भी आपकी जयपुर की हो जाएगी। और पिंड पाडलिया जो है ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पिंड पाडलिया कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। किराड़ोत चितवाड़ी कहाँ की हो जाएगी? जयपुर की हो जाएगी। और नंदलालपुरा आपकी जयपुर की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ताम्र और ताम्र काश्यकालीन दी गई है। गणेश्वर जो है दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगी? सिकर में हो जाएगी। ठीक है, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, कांतली नदी के किनारे। ठीक है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आगे देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ आहाड़ और झाड़ोल ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ और दी गई है, ये भी आपकी ताम्र और ताम्र काश्यकालीन है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में स्थित है। एलाना सभ्यता इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, जालौर में है। एलाना कहाँ की हो जाएगी? जालौर की हो जाएगी। और मल्हा सभ्यता जो है ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? भरतपुर की हो जाएगी। मल्हा सभ्यता कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? भरतपुर की हो जाएगी। और एलाना सभ्यता कहाँ की हो जाएगी? एलाना सभ्यता आपकी जालौर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी भी डिस्कस करी है अभी, ये आपकी ताम्र और ताम्र काश्यकालीन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस सभ्यता का संबंध लौह युगीन सभ्यता से है? लौह युगीन सभ्यता से नौ भरतपुर का संबंध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नौ सभ्यता जो है ये आपकी लौह युगीन सभ्यता है। और जोधपुर जयपुर जो है इसका संबंध भी आपका लौह युगीन सभ्यता से है। रेड टोक जो है इसका संबंध भी आपका लौह युगीन सभ्यता से है, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर जयपुर रेड टोक जो है इनका संबंध भी लौह युगीन सभ्यता से है। आगे देखिए, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये कौन सी हो जाएगी? नव भरतपुर। नव भरतपुर सभ्यता ऐसी सभ्यता है दोस्तों जहाँ से लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने
की भट्टियाँ व अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं, ये आपकी सुनारी सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है वहाँ से मिले हैं। ठीक है, सुनारी सभ्यता लोहयुगीन हो जाएगी, जोधपुरा सभ्यता भी आपकी लोहयुगीन हो जाएगी, याद रखना है। आगे देखिए, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई? लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई? ये रेड टोक को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है रेड टोक को, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थान की किन सभ्यताओं से सलेटी रंग के चित्र मर्दभान संस्कृति के अवशेष मिले हैं? सलेटी रंग के चित्र मर्दभान संस्कृति के अवशेष विराटनगर जयपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी सभ्यता हो जाएगी, नौ सभ्यता भरतपुर से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नौ से। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें वो हम देख लेते हैं। यह सभ्यता दशदती व सरस्वती नदी घाट वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई। यह हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, हड़प्पा कालीन है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, पंजाबी भाषा में कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़िया। ये भी आपका एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी कि इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर एवं एमडी खरे, बीबी लाल हो जाएगा, बीके थापर हो जाएगा और एमडी खरे हो जाएगा, इन्होंने इसका उत्खनन किया। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। उत्खनन में सभ्यता के पांच स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए दोस्तों? पांच स्तर सामने आए, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा की सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, प्राग हड़प्पा सभ्यता और दूसरी हो जाएगी आपकी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, एक तो आपकी प्राग हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी और एक आपकी हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी। कालीबंगा के उत्खनन में पांच स्तर के प्रमाण माने गए हैं। ठीक है, प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, प्रथम दो स्तर जो है ये तो आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, तीसरा स्तर जो है वो समकालीन है। पहला दूसरा जो है वो प्राचीन है, तीसरा जो है ये आपका समकालीन है। चौथा वो पांचवा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और चौथा वो पांचवा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छह छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों चिकित्सा के अवशेष पाए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? चिकित्सा के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। एक बच्चा था यहाँ पर, उसके कंकाल की खोपड़ी मिली है जिसमें छह छिद्र है, यानी कि यहाँ पर मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बर्तनों के रंग लाल जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है, बर्तनों के रंग लाल हैं, काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, किसका संबंध आहाड़ सभ्यता से रहा? आहाड़ सभ्यता से किसका संबंध रहा है? अक्षय कीर्ति व्यास, रत्नचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षय कीर्ति व्यास जो है, AK व्यास, रत्नचंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल और आपके कौन हो जाएंगे? HD साकलिया, इनका संबंध आहाड़ सभ्यता से रहा है। किस सभ्यता को धूलकोट और आगाड़पुर के नाम से जाना जाता था? तो ये आपकी आहाड़ सभ्यता हो जाएगी, इसे धूलकोट और आगाड़पुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिए, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहाड़ सभ्यता की खोज कब की? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहाड़ सभ्यता की खोज 1953 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि खोज किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? यानी कि मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था और इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है, ये आपकी आहाड़ सभ्यता से है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। आगे देखिए, आहाड़ सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहाड़ सभ्यता था। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है।
कालीबंगा की तरह मकान में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थर का प्रयोग करते थे, यानी कि यहाँ पर धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? रत्नचंद्र अग्रवाल और एचडी साकरिया के निर्देशन में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उदयपुर की वह सभ्यता जो अहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई, यह कौन सी हो जाएगी? अहड़ सभ्यता हो जाएगी। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया? गिलुंड सभ्यता है दोस्तों। गिलुंड सभ्यता जो है ये आपकी बनास नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजसमंद जिले में स्थित है गिलुंड सभ्यता, और इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका उत्खनन बीबी लाल के निर्देशन में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है, बीबी लाल। आगे देखिए, गिलुंड सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष गिलुंड सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं, आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग भी यहाँ पर मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदभांड। तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी एस शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन किया गया, यानी कि वी एस शिंदे ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया 1998 से 2003 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता आपकी कोठारी नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका उत्खनन वी एन मिश्रा के द्वारा किया गया था। 1967 से 1970 तक डॉक्टर वी एन मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया? तो बागोर सभ्यता का उत्खनन किया है, ठीक है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, ये आपके बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपके बागोर से प्राप्त हुए हैं। स्पेशली एग्जाम में पशुपालन पूछा जाता है दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से प्राप्त हुए हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, सीकर में कातली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर में स्थित है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका उत्खनन 1972 में रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। गणेश्वर सभ्यता जो है इसका उत्खनन 1972 में रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। यह 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता कहा जाता है, यानी इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके अलावा ताम्र संचय भी किसे कहा जाता है? यह भी आपकी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है। यहाँ पर जो तांबे के उपकरण के पात्र मिले हैं उनमें 99% तांबा है दोस्तों। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था, यानी कि यहाँ से तांबा जो है वो हड़प्पा भेजा जाता था और मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कपिशवर्णी मद्रपात कहते हैं, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो काले व नीले रंग के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिन्हें कपिशवर्णी मद्रपात्र कहा जाता है, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र व एक यूनानी सुराई मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? तो ये आपकी भीनमाल जालौर से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक रोमन एम्फोरा यानी कि सुरापात्र प्राप्त हुआ है और एक यूनानी सुराई मिली है जो कि विदेशी व्यापार के जानकारी देती है, ये आपका भीनमाल जालौर हो जाएगा। भीनमाल जालौर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? भीनमाल जालौर सभ्यता जो है इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा ही करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसवाल सभ्यता किस जिले में है जहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसवाल सभ्यता आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में है, जहाँ से लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसवाल सभ्यता कहाँ की हो जाएगी? आपकी उदयपुर की हो जाएगी और यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट किस जिले में स्थित है? मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट आपकी जयपुर में स्थित है। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष आपके बैराट से प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बैराट सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे। सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी द्वारा
की गई, यानी दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में बेरार सभ्यता की खोज की गई। उत्खनन नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। इंपॉर्टेंट है, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा जयपुर में स्थित बेरार सभ्यता का उत्खनन किया गया। बेरार से गोल मंदिर, इंपॉर्टेंट, गोल मंदिर बेरार से अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का भाबरू अभिलेख जो है और गोल मंदिर जो है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जयपुर से प्राप्त हुए हैं। भाबरू अभिलेख आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, किस सभ्यता से अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? यह आपका बेरार सभ्यता से प्राप्त हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। ये किसको मिला था दोस्तों? ये आपके कैप्टन बर्ट को मिला था। किसको मिला था? कैप्टन बर्ट को मिला था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, कुछ प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में देख लेते हैं। रंगमहल सभ्यता आपकी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नगरीय सभ्यता आपकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और बरोड़ सभ्यता जो है ये आपकी श्रीगंगानगर में स्थित है। रंगमहल हनुमानगढ़ में हो जाएगी, ओजियाना भीलवाड़ा में हो जाएगी, नगरी सभ्यता आपकी चित्तौड़ में हो जाएगी, बरोड़ सभ्यता आपकी श्रीगंगानगर में हो जाएगी। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में कुछ और है, तिलवाड़ा जो है ये आपकी बाड़मेर में हो जाएगी, नगर जो है ये आपकी टोंक में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में हो जाएगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लोहयुगीन सभ्यता है, बालाथल सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है बालाथल, ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 84 से मिले हैं। आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, बीकानेर, तरखानवाला डेरा और चक 84 से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से है? अंगुत्तर निकाय जो है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस महाजनपद की राजधानी क्या थी, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, किस महाजनपद की राजधानी क्या थी, ठीक है? ये क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है। अंगुत्तर निकाय जो है इसमें बौद्ध धर्म की जानकारी आपको प्राप्त होती है। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? सीवी जनपद किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये आपके चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है इसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों, सारे सवाल क्लास 10th की बुक से ही पूछे जाते हैं लगभग। 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे कि मालव, योद्धे और अर्जुन जनपद जो थे ये राजस्थान में आकर बसे थे? किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने, यह आपको ध्यान रखना है। सिकंदर के आक्रमण के कारण अपने सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए मालव जनपद, योद्धा जनपद, अर्जुन जनपद जो है ये राजस्थान में आकर बसे थे, ये आपको ध्यान रखना है। आर्यजैन के रूप में मत्स्य जाति, मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? मत्स्य जाति या मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। निम्न में से किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? तो मत्स्य जनपद की जानकारी दोस्तों अंगुत्तर निकाय में नहीं मिलती है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अंगुत्तर निकाय में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है। मत्स्य जनपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम देख लेते हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया। राजा विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री थी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। विराट की पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु को तो सभी जानते हैं, उत्तरा का नाम आपको ध्यान रखना है। उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। अभिमन्यु का पुत्र था जिसका नाम था परीक्षित, कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मत्स्य प्रदेश में आपके जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर भाग सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। आगे देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में साल्व जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता? तो ये अलवर में रहती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मत्स्य जनपद से संघर्ष रहा था अस्पष्ट सीमा को लेकर। तो साल्व जनजाति आपकी कहाँ पर रहती थी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलवर में रहती थी। आगे देखिए, किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? यह आपका चेदी हो जाएगा। चेदी जनपद जो है, चेदी महाजनपद जो है इसने मत्स्य जनपद पर आक्रमण करके उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया लेकिन बहुत अधिक समय तक वह इसके अधिकार में नहीं रह सका, चेदी जनपद। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से मगध जनपद ने
अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मत्स्य जनपद को मगध ने शामिल कर लिया था। आगे देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को दोस्तों वैदिक आर्यों की संतान माना है। किसकी संतान माना है? वैदिक आर्यों की संतान माना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जीएच ओझा सीवी वेद ने वैदिक आर्यों की संतान माना है। दोनों ने वैदिक आर्यों की संतान माना है। एग्जाम में सीवी वेद वाला ज्यादा पूछा जाता है, बट जीएच ओझा वाला भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? चंद्र बरदाई के अनुसार अग्निकुंड से राठौर जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? तो नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति डी आर भंडारकर ने बताई है, आपको ध्यान रखना है। भंडारकर ने इनको ब्राह्मण बताया है, यह आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है? ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। आगे देखिए दोस्तों, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य को माना है? तो ये आपके डी आर भंडारकर हो जाएंगे। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज माना है? ये गोपीनाथ शर्मा हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज गोपीनाथ शर्मा। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ क्षेत्र पर राज किया था, यह आपको ध्यान रखना है। गुहिल वंश को ईरान के शासक नौसेका से संबंधित किसने माना है? नौसेका से संबंधित गुहिल वंश को अब्बुल फजल ने माना है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नल टोन ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। वल्लभी के शासकों से संबंधित किसे माना है? गुहिल वंश को, कर्नल टोन ने। नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने के मत का प्रतिपादन किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन की स्थापना हुई थी। जीएच ओझा के अनुसार गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई। गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे तो ये बप्पा रावल बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन बने थे? बप्पा रावल बने थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल से हमारा गुहिल वंश शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71 से हमारा गुहिल वंश शुरू हो जाएगा, तो कल के वीडियो में हम गुहिल वंश डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 तारीख तक दोस्तों मैं आपका पूरा इतिहास कंप्लीट करा दूंगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।